हेलो, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है ऋतिक और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर अवेयरनेस से। तो कल हमने स्टडी किया था कि हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इस सीरीज़ में कवर करेंगे। हमने एक हल्का सा ओवरव्यू लिया था उनका। तो आज जो है वो हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि टॉपिक वन से होगी और हमारा टॉपिक वन है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा इसके डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और साथ में आपको जो होगा एक ब्रीफ डिस्कशन भी दूंगा हर टॉपिक की, हर क्वेश्चन की। तो आप सबको जो है जो जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊँगा आप सबको वो नोट कर लेने हैं क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो में हर क्वेश्चन जो वो करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बताऊँगा वो आप सब नोट कर लेना बिकॉज हर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ए ऑप्शन है इंग्लिश, बी है ग्रीक, सी है लेटिन एंड डी है फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेटिन। तो आप सबको मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो कंप्यूटर वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है और उसकी दो फुल फॉर्म्स हैं। आप मेरे को दोनों फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये तो आई थिंक आप सबको आता होगा। तो ऑप्शन आपका ए है कैलकुलेशन, बी है बे का केक, सी है डाउनलोडिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है बे का केक। अब कंप्यूटर केक थोड़ा ना बेक करेगा, बाकी तो सब कुछ परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर, एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है बे का केक। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी था वो सही था। आपका थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ पार्ट्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश। पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स, ये आपके किसके एग्जांपल हैं? कंट्रोल सिस्टम के हैं, आउटपुट के हैं, प्रोसेसिंग के हैं या फीडबैक के हैं, या इनमें से किसी के भी नहीं है? तो जो पार्ट नंबर है मैं आपको बता दूँ, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ये सब जो एग्जांपल हैं वो प्रोसेसिंग के एग्जांपल हैं। आपको पता है कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप उसका मतलब उसका आप ले लो कि किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप इस्टेब्लिश होना। तो जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप इस्टेब्लिश होती है। तो जो पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर बताता है कि आपका स्टेप का जो कौन सा पार्ट चल रहा है, उसका नंबर जो होगा वो पार्ट बताएगा कि कौन सा पार्ट चल रहा है, कितने स्टेप हैं इस प्रोसेस में, एक है दो है या तीन है, जितने भी हैं। डिस्क्रिप्शन बताएगी आपको कि इस प्रोसेस जो वो किस बारे में हो रही है, मतलब किससे रिलेटेड प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर ये प्रोसेस बनी है या जिनसे मिलकर ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, आपको ऑप्शन ए है इन्फॉर्मेशन, बी है डेटा, सी है मेमोरी, डी है रिपोर्ट्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स जो है वो क्या है? अनप्रोसेस्ड का मतलब होता है जो प्रोसेस्ड नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स जो है वो आपकी क्या है? वो आपका डेटा है। डेटा को हम जो है वो रेंडमली स्टोर कर सकते हैं, ये नहीं है कि उसको हमें एक क्रम में ही स्टोर करना है या उसको हमने एक मतलब रिस्पेक्टिवली ही स्टोर करना है, पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिस्पेक्टिवली स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा डेटा। आपका क्वेश्चन नंबर फाइव आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज। मतलब कौन सी साइकिल जो वो आपकी इनपुट से, प्रोसेस से एंड आउटपुट से एंड स्टोरेज से कंसिस्ट होती है, बनती है? डेटा, इन्फॉर्मेशन, मेमोरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा डेटा। आपको पता है कि जो डेटा है वो कैसे बनता है? मान लो एग्जांपल लेते हैं हम कि आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, एबीसीडी आपने टाइप करा, वो क्या दिया आपने? इनपुट दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस मतलब जो उसमें क्या क्या हुआ, आपने टाइपिंग करी, उसका आपने फॉन्ट चेंज किया या आपने उसका स्टाइल चेंज करा। ठीक है, तो जो भी बीच में प्रोसेस हो गया, आपने क्या इंसर्ट करा, आपने उसमें जो उसकी राइटिंग चेंज करी, आपने उसका कुछ भी चेंज करा, आपने उसमें फ़ोटो ऐड करी, कुछ भी ऐड किया, वो क्या होगी? प्रोसेस होगी। ठीक है, आउटपुट क्या होगा?
जब आप उसको फाइल नेम देके, एक्सटेंशन देके, डॉट पीडीएफ करके या कुछ भी करके, अब आपको बताऊँ एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन होती है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है। एक्सटेंशन मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड जो यूज़ होता है उस फाइल से रिलेटेड, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बिना जो है वो फाइल जो है वो सेव नहीं होती है, ठीक है। तो आप जो भी एक्सटेंशन लगा के उस फाइल को सेव करेंगे तो जो उसका आउटपुट होगा वो आप उसको कहाँ पे व्यू कर सकते हैं, जहाँ पे आपने उसको स्टोर किया होगा। स्टोर कहाँ पे करा होगा, जिस भी डिस्क में, जिस भी फोल्डर में, जिस भी फाइल को आपने स्टोर किया होगा उसको वहाँ पे ओपन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं आपने, कि आपने क्या टाइप करा था, ABCD टाइप करा था और उसका कैसा स्टाइल रखा था, क्या फॉन्ट रखा था आपने। तो ये किसका होता है, सब कुछ ये होता है डेटा का, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश है डेटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि कौन सा डेटा है जो बीन ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऑर्गेनाइज होता है एक पर्टिकुलर मैनर में। सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसेस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, मेमोरी होती है। अब मेरे को ये बताओ कि पर्टिकुलर मैनर में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो एक ऑर्गेनाइज होगा, सॉफ्टवेयर होगा। अब सॉफ्टवेयर को हम ऑर्गेनाइज थोड़ी ना करेंगे, सॉफ्टवेयर तो कंसिस्ट होता है, सॉफ्टवेयर तो एक मीडियम है, हमारा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का एक मीडियम है। हम किसी भी चीज़ को ओपन कर रहे हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हैं, वो किस में ओपन हो रही है, एक सॉफ्टवेयर में ओपन हो रही है, सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस तो आपको पता है, प्रोसेस क्या होती है, किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश करने का जो काम होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन इसका सही आंसर होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी डेटा यहाँ पे नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। हम उसको एक क्रम में, एक रिस्पेक्टिवली मैनर में उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। मेमोरी भी नहीं होगा, मेमोरी को भी हम एक पर्टिकुलर मैनर में ही स्टोर करते हैं, बनाते हैं, लेकिन मेमोरी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डैश हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, यहाँ पे डेटा वर्ड जो आ गया ना, आई थिंक ये डेटा वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन ही ऐसे बन रहा है, डेटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया गया, हमारा डेटा से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनता है आपका वो है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर डेटा, CPU, सॉफ्टवेयर या पेरिफेरल। डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर को रन करने के लिए। हार्डवेयर चाहिए, CPU चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, पेरिफेरल चाहिए। पेरिफेरल का मतलब होता है ऑल द पार्ट्स, पेरिफेरल मतलब एक मीडियम, तो पेरिफेरल जो है, ठीक है, या फिर आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आपको कंप्यूटर को रन करने के लिए क्या चाहिए, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब तक आप उसको कंप्यूटर के प्लग को इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब प्लग इन नहीं करोगे, तो आपका कंप्यूटर तो ऑन ही नहीं होगा। तो वो कंप्यूटर तो फिर एक डब्बा है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। ये सब तो बाद के पार्ट है, हार्डवेयर, CPU, सॉफ्टवेयर, ये तो बाद के पार्ट आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द स्टेप्स एंड टास्क दैट आर टू बी नीडेड टू प्रोसेस डेटा लाइक रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन और क्लिक टू एन आइकन इज कॉल्ड। मतलब दो स्टेप्स और टास्क हैं जो हमें चाहिए होते हैं, किसके लिए। मान लो कि आपने किसी आइकन पे क्लिक किया या आपने कोई फाइल ओपन करी, तो उसके जो स्टेप्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपाइलेशन बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं। स्टेप्स को हम बेसिकली एक और वर्ड ही देते हैं, इंस्ट्रक्शंस। अब कभी आपने क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, तो इसका इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश अ मेमोरी यूनिट। बोल रहा है कि एनालिटिकल इंजन, अब आपने मेरे को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, मतलब किसने डेवलप किया था, ठीक है। तो बोल रहा है कि एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज अ मेमोरी यूनिट। तो वो किसको यूज़ करते थे एज अ मेमोरी यूनिट, को रैम को यूज़ करते थे। मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी को किस में यूज़ करते थे, वो रैम में, फ्लॉपीज में, कार्ड्स में या फिर काउंटर व्हील्स में। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सिंपल सा आपने ये याद रखना है, जब भी आपकी बात आएगी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे
उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ काउंटर व्हील्स होते थे जो कि एनालिटिकल इंजन की तरह परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो इसको जो सही आंसर होगा, जब भी फर्स्ट जनरेशन की बात आएगी तो जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन है ए EDSAC, EDVAC, मार्क वन एस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, EDSAC। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे जो अब कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, ठीक है, कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो कब आया था। तो जो आपका मार्क वन है वो आपका आया था 1940 से लेकर 1956 के बीच में। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वे कंप्यूटर के जनरेशन्स हैं, ठीक। इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर कब बना था, और आप मेरे को ये बताना कि इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कब लॉन्च हुआ था और उसका क्या नाम था। जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है जो इंडिया में लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था और उसका क्या नाम था, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश लैंग्वेजेस, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें से कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती थी। नंबर ए मशीन लैंग्वेज, नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, या फिर दोनों लैंग्वेज बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ना, तो उनमें जो है वो मशीन लैंग्वेज भी यूज़ होती थी और उनमें असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ होती थी, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना उनकी स्पीड किस में होती थी, मतलब जो उनकी स्पीड थी वो हमको हम उसको किस में मेजर करते थे। तो जो आपका ऑप्शन ए है नैनो सेकंड्स में करते थे, माइक्रो सेकंड्स में करते थे, नैनो मिली सेकंड्स में करते थे, या इनमें से किसी में भी नहीं करते थे। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा माइक्रो सेकंड्स में। अब मेरे को आपने ये बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ज़्यादा फास्ट थे, या फिर जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हो गए या उससे अगली जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो ज़्यादा फास्ट थे। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा माइक्रो सेकंड्स, और इसी से आपका ये जो मैंने अभी पूछा ना आपसे क्वेश्चन, इसी से इसका आंसर बनेगा कि कौन से ज़्यादा फास्ट होंगे, नैनो या फिर माइक्रो। क्योंकि नैनो कंप्यूटर जो है, नैनो सेकंड में जो है वो अगली जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो उनको उनकी स्पीड को मेज़र करते हैं हम नैनो सेकंड्स में, ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है माइक्रो सेकंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग क्या होती है एक तरह से, टाइम शेयरिंग मतलब कि एक तरह से आप अपडेशन ले लो, अपडेशन अपडेट, मतलब टाइम शेयरिंग का अपडेट जो वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में आया था, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में या फोर्थ में, या इनमें से किसी में भी नहीं आया था। तो जो अपडेशन थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से। याद रखना आपने, अगर कोई भी आपको अपडेशन से रिलेटेड, टाइम से या फिर आपका क्लॉक से या किसी भी इंटरनेट से, किसी भी जनरेशन रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सीधा याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को छोड़ के बाकी जितने भी आपके जनरेशन के आगे उनमें टाइम शेयरिंग जो थी पॉसिबल थी, और जितनी भी अपडेशन थी वो पॉसिबल थी। तो सेकंड जनरेशन जो अब इसका थर्ड जो सेकंड जनरेशन है उसमें, अब आप बोलोगे कि सेकंड और थर्ड या फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली पूछा है टाइम शेयरिंग किस में पॉसिबल हो गई थी, कहाँ से पॉसिबल हुई थी। तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई थी, सेकंड जनरेशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीज वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन। आईसीज, आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो वो एक पार्ट होता है, आई थिंक जो इलेक्ट्रिकल का अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या इलेक्ट्रिकल जिसको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज हो, उसको पता होगा कि आईसी क्या होता है। हमारे टीवीज में, हमारे कंप्यूटर्स में एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें कि हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर का जितना भी सर्किट सिस्टम होता है वो सारा उसमें जुड़ा होता है, ठीक है। उसमें हमारे बैंड्स होते हैं, उसमें हमारे फिर आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, सब कुछ आ जाता है उसमें हमारा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन।
आईसी जो है वो आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन से स्टार्ट हुए थे, तो जो इसका आंसर होगा वो थर्ड जनरेशन, फर्स्ट और सेकंड में ये नहीं थे, थर्ड जनरेशन। और इसी से आपका एक नया क्वेश्चन बनता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ठीक है, वो कौन से मेटल को यूज़ करके बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपको वो सिलिकॉन, आपने याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सीधा याद रख लेना है इंटीग्रेटेड सर्किट इज इक्वल टू सिलिकॉन, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ जाए कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किससे, कौन सी मेटल से बने होते हैं, तो वो आपने याद रखना है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिप इज़ अ कॉमन नेम ऑफ एन डैश, चिप जो है वो किसका कॉमन नेम है, ट्रांजिस्टर का नेम है, सेमीकंडक्टर का नेम है, रजिस्टर का नेम है, या इंटीग्रेटेड सर्किट का नेम है, या इनमें से किसी का भी नेम नहीं है। तो चिप आपको पता है कि चिप किससे रिलेटेड हो सकती है, इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड होगी चिप। ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, ये सब किसके पार्ट हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के ही पार्ट हैं ये सारे, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा इसका वो होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बने होते हैं, ट्रांजिस्टर से, रेजिस्टर से, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, जो पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। तो जो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किससे बने होते थे, किससे बने होते थे, इंटीग्रेटेड चिप से, मतलब उनमें क्या इस्टेब्लिश की जाती थी, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे फ्लोर नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। अब ये तो सबको आता होगा कि पीसी का मतलब क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल टास्क, क्या वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होगा, या फिर ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर यूज फॉर इंडिविजुअल वर्किंग एट अ लार्ज और स्मॉल लेवल, ठीक है। दो ऑप्शन सी है आपका, पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स। अब ये जो आंसर है उसका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का सीधा मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो इसको जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। अभी एक क्वेश्चन आपने याद रखना है हमेशा, जब भी माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो वो आपसे या तो ये पूछेगा कि माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा कंप्यूटर जो वो माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है, या फिर कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कितनी मेमोरी यूनिट से बना होता है। तो ये हम जो जब मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने सीधा याद रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर, इनमें से बाकी कोई भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं है, टैबलेट पीसी भी नहीं है, सीधा आंसर है आपका पर्सनल कंप्यूटर। जो आपका पीसी होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसमें हम स्मॉल टास्क जो हम वो परफॉर्म कर सकते हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर जनरली कॉस्टलियर, मतलब कौन से कंप्यूटर जो हैं वो कॉस्टलियर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, या नोडेड कंप्यूटर, या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है जिससे भी आप जो है वो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, मतलब एक मेन, जो मेन कंप्यूटर होता है ना उसको हम बोलते हैं सर्वर। जो आपका मेन कंप्यूटर होगा जिसमें आपके सारे कंप्यूटर्स का डेटा होगा, मान लो कि एक बैंक है या फिर कोई आईटी कंपनी है जिसमें 7 से 8 कंप्यूटर लगे हैं, एक टोपोलॉजी लगी हुई है, टोपोलॉजी मतलब एक पूरे मैनर में कंप्यूटर लगे हैं, तो जो उनका एक मेन कंप्यूटर होगा जो जिसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें जितने भी ऑल ओवर द कंपनी या ऑल ओवर द बैंक जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सब का डेटा, उन सब की स्क्रीन जो है वो वहाँ पे शेयर हो जाएगी, उन सब का डेटा वहाँ पे शेयर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सर्वर, मतलब मेन कंप्यूटर। जो आपका दूसरा है वो है सुपर कंप्यूटर, मतलब फास्ट कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे, या आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और नोडेड कंप्यूटर, या फिर आपका हैंड हैंडल कंप्यूटर।
ऑप्शन जो आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर थे ना आपके, वो थे आपके कॉस्टलियर, सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका इतना कॉस्टलियर नहीं होता है जितना सुपर कंप्यूटर रहता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर आपका सिर्फ उन्हीं टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है जो कि एक पर्टिकुलर, मान लो कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल हम नासा ले लेते हैं, नासा का एक कोई सैटेलाइट है, उसको हमने स्पेस में भेजना है, तो जो स्पेस में भेजने के लिए जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ होगा ना, जो कंप्यूटर यूज़ होगा, वो सिर्फ उसी सैटेलाइट को भेजने के लिए यूज़ होगा, किसी और सैटेलाइट या किसी और वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने मेरे को ये भी बताना है कि जो इंडिया का पहला फर्स्ट कंप्यूटर था उसका क्या नाम था कमेंट बॉक्स में, और जो इंटीग्रेटेड चिप थी उसको किसने डेवलप किया था। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था इंडिया के, और जो इंटीग्रेटेड चिप थी उसको किसने डेवलप किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द ओड वन आउट, इनमें से आपने बताना है कि कौन, मतलब इसमें जनरेशन गैप देखना है आपने कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो आपका सबसे बाद में आया है, मतलब ये प्रेजेंट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जितने भी हैं, ये जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब प्रेजेंट जनरेशन के कंप्यूटर, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो सब इन सब कंप्यूटर से अलग है। ठीक है, एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होंगे, डिजिटल मतलब उसमें जैसे वॉच होती है ना हमारी, डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल वॉच कैसे होगी जिसमें हम नंबर्स के थ्रू टाइम को देखेंगे, जैसे 09500 ऐसे करके, और जो दूसरी क्लॉक्स होंगी उसमें लिखा होगा 12123, वो एनालॉग होंगी। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इसका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर विच इज इमिटेट ब्रेन वर्किंग, मतलब जो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट। ठीक है, तो जो जब ये दो वर्ड आएंगे ना स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट, तो आपने याद रखना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इसका आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और आपने साथ में मेरे को ये भी बताना है कि जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर का क्या नाम है, और इंडिया का सबसे, जो सबसे बाद में कंप्यूटर आया था, जो इंडिया ने सबसे बाद में लॉन्च किया था, उसका क्या नाम है। आपको मैंने एक बताया इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, और एक मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड चिप किसने लॉन्च करी थी, और इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये सब आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में, तीन से चार क्वेश्चन जितने भी मैंने आपसे पूछे वो सब आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।